मित्रों, किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं हो सकता, आपकी पसंद अवश्य हो सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है और उनकी तुला राशि है, और जिनका नाम अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है और सिंह राशि है। तो आज हम बात करेंगे कि आर नाम वाले तुला राशि वाले लोगों की यम नाम वाले सिंह राशि वाले लोगों के साथ जोड़ी किस तरह की हो सकती है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि यम नाम वाले सिंह राशि वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, फिर जानेंगे आर नाम वाले तुला राशि वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, और उसके बाद फिर हम इस जोड़ी का मिलान करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। चलिए मित्रों, जान लेते हैं यम नाम वाले सिंह राशि वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है। ये लोग परोपकारी होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं, अपने व्यक्तित्व से किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं, नेतृत्व क्षमता बहुत अधिक होती है, कुछ न कुछ नया सीखने की चाहत हमेशा रहती है। इनका स्वभाव राजसी बरौददार होता है, व्यक्तित्व शानदार होता है, बुद्धिमान लोग होते हैं, अपने मित्रों और संबंधियों पर बहुत विश्वास होता है। इनको दूसरों की सहायता करके खुश हो जाते हैं, अपने माता पिता को खुश रखने वाले होते हैं, अपने परिवार के प्रति भी समर्पित होते हैं, भावुक लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से दुखी भी हो जाते हैं। दिल से जीने वाले लोग होते हैं, मजाक की बातें भी कई बार बहुत ही बुरी लग जाती हैं, लेकिन अगर इनके अपने घर में कोई ऐसी बातें करे तो सहन भी कर जाएंगे, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति इनसे मजाक में भी कुछ बुरा बोल दे तो इनको बहुत ही बुरा लग जाता है, और फिर ये बातें कभी भी भूलते नहीं हैं, ना ही ये उस व्यक्ति को कभी माफ कर पाते हैं, और समय आने पर ये उस व्यक्ति से बदला लेने का भी प्रयास करते हैं। अच्छों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पर बुरे लोगों को माफ नहीं करने वाले होते हैं। इनके मित्र कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं प्यारे मित्र होते हैं, उनसे पूरी मित्रता निभाते हैं। इनके विचारों में न्यायप्रियता देखने को मिल जाएगी आपको, क्योंकि अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। दाम्पत्य जीवन को लेकर काफी गंभीर होते हैं और अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं। ये अपने साथी के प्रति बहुत उदार होते हैं। माता पिता और भाई बहन के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं और उनकी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। इनके लिए जीवन में रोमांस आवश्यक होता है। बहुत ही प्यारे और भरोसेमंद साथी होते हैं, हमेशा चलने वाला प्रेम चाहते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग बहुत जुनूनी होते हैं, ये लोग काफी रोमांचक होते हैं। प्रेम के मामले में अपना दबदबा अपने साथी पर बनाकर रखना चाहते हैं। जिससे भी प्रेम करते हैं, दिल की गहराइयों से प्रेम करते हैं। आप ऐसा प्रेमी या प्रेमिका पसंद करते हैं जो आपकी स्वतंत्रता में बाधा न हो, नहीं तो आपका फिर तालमेल बनना मुश्किल होता है। प्रेम के मामले में जल्दी प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन ये सच्चे प्रेम में विश्वास रखते हैं। ये चाहे प्रेमी प्रेमिका हो या जीवन साथी हो, आसानी से धोखा नहीं देते हैं, लेकिन कई बार इनका स्वभाव शक्की हो जाता है। अपने साथी पर शक कर सकते हैं, फिर भी प्रेम सच्चा करते हैं, इसलिए अपने साथी के बगैर नहीं रह पाते, अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाले लोग होते हैं। ये मित्रों, जान लेते हैं आर नाम वाले तुला राशि वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है। ये लोग जो होते हैं अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। दूसरे के मन की था लेना ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अपने मन की बात छुपा कर रखने वाले होते हैं। प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण होता है। प्रेम में जल्दी पड़ सकते हैं, लेकिन प्रेम में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। रोमांच और रिश्ते को लेकर काफ़ी संवेदनशील होते हैं। दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग जो दुनिया की ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, इनकी अपनी एक दुनिया होती है और ये उसी में खुश रहते हैं। कोई क्या कहेगा इससे इनको खास फर्क नहीं पड़ता। ये लोग अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते। बहुत जल्दी इनको अपमान की बातें लग जाती हैं, फिर ये वो बातें कभी भूलते नहीं, ना फिर ये उस व्यक्ति को आसानी से माफ़ कर पाते हैं। बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं। कुछ भी नया सीखने को मिले तो हमेशा नया सीखने की चाहत इनके मन में रहती है। ये अपने साथी को काफ़ी सोच समझ कर चुनते हैं। ये अपने रिश्ते को केवल दिल से ही नहीं, दिमाग से भी निभाते हैं। ये अपने जीवन साथी और प्रेमी प्रेमिका को बहुत प्रेम करते हैं। ये लोग रोमांटिक ज़्यादा होते हैं। इनका प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी ज़्यादातर इनसे सदैव खुश रहता है।
इनका प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी इनके लिए बहुत खास होता है। अपने प्रेम की बातें किसी को शेयर करना पसंद नहीं करते। ये ऐसे साथी को पसंद करते हैं जो इनको पूरी तरह समझ सके, इसलिए किसी को भी साथी बनाने से पहले उसके बारे में जानने का प्रयास बहुत करते हैं। जीवन जिंदा दिली से जीते हैं और अपने रिश्ते को लेकर सीरियस रहते हैं। चलिए मित्रों, अब हम इस जोड़ी का मिलान कर लेते हैं कि आर नाम वाले तुला राशि वाले लोगों के साथ एम नाम वाले सिंह राशि वाले लोगों की जोड़ी किस तरह की हो सकती है। आदर्शवादी तुला राशि वाले लोग जो हैं, इनका स्वामी शुक्र है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सामाजिक हैं और ये लोग हर चीज में संतुलन बनाना पसंद करते हैं, सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं और इन्हें एक शानदार कपल कहा जा सकता है। सिंह राशि वालों के साथ तुला राशि वालों की जोड़ी, सिंह अपनी लाइफ जो है सही तरीके से जीना पसंद करते हैं, लग्जरी स्टाइल में जीना पसंद करते हैं। तुला राशि वाले लोगों का भी स्वभाव कुछ इस तरह का ही होता है और जब वे तुला राशि के साथ सिंह राशि वाले प्रेम संबंधों में होते हैं तो तुला राशि वाले और सिंह राशि वाले लोगों की आपस में बनती है और ये प्रेम संबंध आगे तक जा सकता है। रोमांस और प्रेम के मामले में एक जैसा स्वभाव होता है इनका और अग्नि तत्व प्रधान राशि है सिंह राशि जो है, और जो तुला राशि है वो वायु तत्व प्रधान राशि है। अग्नि और वायु के मिलन को एक शानदार योग माना जा सकता है। तुला और सिंह राशि के बीच अनुकूलता और एक दूसरे के साथ समय बिताने की काफी इनकी इच्छा रहती है, लेकिन कई मामलों में सिंह राशि वाले लोगों का स्वभाव कई बार जिद्दी हो जाता है और इनमें अहम की भावना भी देखने को मिलती है। लेकिन तुला राशि वाले सिंह राशि वाले लोगों को बहुत बेहतर ढंग से कंट्रोल करना जानते हैं। दोनों ही राशियां सामाजिक तौर पर एक्टिव रहना पसंद करती हैं, यानी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होते हैं और सिंह राशि वाले लोगों की जब तुला राशि वालों के साथ जोड़ी बनती है तो इनके बीच रोमांटिक संबंध अच्छे होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं और किसी भी तरह से एक दूसरे का ख्याल भी रखने वाले होते हैं। लेकिन सिंह राशि वाले लोगों का स्वभाव कई बार क्रोधी हो जाता है, लेकिन तुला राशि वाले इनके क्रोध को शांत करना जानते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप भी दोनों के बीच अच्छी होती है और सामान्य तौर पर तुला राशि के लोग बहुत ही खूबसूरत होते हैं, शांत होते हैं, संतुलन भरा जीवन पसंद करते हैं और सिंह राशि वाले लोगों को काबू करना भी जानते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं जो उसे सुंदरता के साथ प्रेम स्नेह और रोमांस में माहिर बनाते हैं, वहीं सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं जो लगातार एक्साइटमेंट बनाए रखने का काम करते हैं। तुला और सिंह की शानदार मैरिड लाइफ के पीछे ये एक बड़ी वजह होती है। सिंह को तुला के रूप में अपने लिए एक सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और सामाजिक रूप से सहज साथी मिलता है। इनमें सदैव प्रेम स्नेह और रोमांस बना रहता है। दोनों साथ में अधिक से अधिक क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करते हैं, लेकिन सिंह राशि वाले और तुला राशि वाले लोगों को अपने स्वभाव में आपस में तालमेल बनाना बहुत आवश्यक है। तुला राशि वाले किसी भी बात को लेकर अधिक पूछताछ करने वाला स्वभाव इनका होता है और सिंह राशि वाले लोगों को ये बात कई बार बर्दाश्त नहीं होती है और वाद विवाद देखने को मिलते हैं। और तुला राशि वाले सिंह राशि वाले लोगों को कंट्रोल करना पसंद करते हैं, लेकिन सिंह राशि वाले लोगों को स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है। उनको कोई कंट्रोल करे बात उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। इस कारण भी संबंधों में कई बार वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तुला राशि वाले किसी भी कार्य को करने से पहले प्लानिंग बहुत करते हैं और प्लानिंग के साथ काम करना पसंद करते हैं। वहीं सिंह राशि वाले प्लानिंग ज़्यादा करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अपने कार्य को करते हैं। इस कारण भी इनके स्वभाव में कई बार विपरीत स्वभाव देखने को मिलता है और वाद विवाद देखने को मिलते हैं। सिंह राशि के लोग जो होते हैं हमेशा दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, यानी सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं। उनको मान सम्मान बहुत प्रिय होता है, लेकिन फिर भी इस जोड़ी में कुछ समझौते अवश्य करने होंगे, तालमेल अवश्य बनाना होगा, तभी ये जोड़ी एक अच्छी जोड़ी हो सकती है। क्योंकि पूरी तरह से स्वभाव एक दूसरे का मेल नहीं खाता है, विपरीत स्वभाव होता है और सूर्य और शुक्र का ये मिलन जो है आसानी से लंबा साथ नहीं निभा सकता। जब तक एक दूसरे के साथ तालमेल ना बनाया जाए, एक दूसरे का मान सम्मान ना किया जाए, एक दूसरे की बातों को ना समझा जाए, किसी भी बात की प्रतिक्रिया देने से पहले एक दूसरे की बातों को समझना भी आवश्यक है और एक दूसरे का मान सम्मान करना भी आवश्यक है और तालमेल बनाना तो बहुत आवश्यक है, तभी ये जोड़ी एक अच्छी जोड़ी हो सकती है। ज्योतिष के आधार पर मैं बोलूं तो ये एक सामान्य जोड़ी ही होती है, लेकिन अगर अच्छी जोड़ी बनानी है तो जो बातें मैंने बोली हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।